नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल में जिसका नाम है टेक्नोमिस्ट्री। आज हम लोग जो विषय को लेकर बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय है और तीन चार दिनों से आप इंस्टाग्राम पे देख रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ यही चल रहा है। जी, मैं बात कर रहा हूँ शुभश्री साहू। शुभश्री साहू एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है जिसका वीडियो लीक होने की बात चल रही है और कहा जा रहा है कि इसके पीछे एक कहानी भी है। वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि वो वीडियो लीक कैसे हुई और ये कहानी सच है या नहीं, आप बाद में मुझे बता सकते हैं। तो बात ऐसी है कि एक वीडियो लीक होने के पीछे अब दो यहाँ पे चल रहे हैं बात कि एक तो या फिर ये ह्यूमन मिस्टेक से रिलीज हुआ है, या फिर कहने का मतलब कि किसी इंसान ने इसे लीक किया है, या फिर दूसरा एंगल आ रहा है जो कि AI के द्वारा ये लीक किया गया है या फिर नहीं। तो पहले एंगल में उससे कुछ ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट है भी नहीं, मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ दूसरे एंगल में कि अगर AI की वजह से लीक हुआ हो तो। पर यहाँ पे बात आ जाती है कि AI का यूज़ तो आजकल हर जगह पे हो रहा है, गाड़ियों से लेके डिफेंस से लेके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेके IT जितनी चीज़ें हैं सब में आजकल AI आ गया। यहाँ तक कि आपके घर के डोर्स में आ गया है, Amazon के जो स्पीकर्स आते हैं जिनको हम जैसे कि Google के असिस्टेंट्स आ गए, ये सब AI के ऊपर ही काम करते हैं। तो मेन मेरा कहने का मतलब है कि लोग कह रहे हैं कि आने वाला फ्यूचर AI ही है, तो अगर AI है तो हम अपनी पर्सनल सिक्योरिटी का क्या करें, बत्ती बना के ऐसा नहीं करना है। मैं बताता हूँ आपको कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना ये झूठ है। जो भी बात बताऊँगा मैं आपको फैक्ट्स के ऊपर बताऊँगा। बात ऐसी है कि ChatGPT का जो ये चल रहा है कि अभी वो सारे काम कर देता है, सारे क्या मतलब जो लोग सोच पाते थे कि ये काम करने में इतना टाइम होगा या फिर ये लगेगा, वो सब काम आसानी से कर लेता है। ऐसा तो नहीं है कि ह्यूमन ब्रेन से ज़्यादा वो काम कर सकता है, वो सिर्फ कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही अपना एनालिसिस करके या फिर उससे सॉल्यूशन निकाल के वीडियो दे सकता है, या फिर कोई भी सॉल्यूशन आपको या फिर कोई भी आपका सवाल है उस चीज़ का जवाब देता है। अब यहाँ पर बात यह है कि वो कहा जा रहा है कि धीरे धीरे अपना इंटेलिजेंस बढ़ाता जा रहा है, तो ये एक सबसे बड़ा थ्रेट है ह्यूमन रेस के लिए कि अगर AI ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया और अपना जो सेल्फ असेसमेंट का एबिलिटी है उसको पावरफुल कर लिया, तो फिर उसे हो सकता है कि ह्यूमंस की ज़रूरत ही ना पड़े। ह्यूमंस की ज़रूरत इस प्रकार से ना पड़े क्योंकि अभी अगर AI के ऊपर कुछ बनाया जा रहा है AI को या फिर AI को डेवलप किया जा रहा है तो वो इंसानों के द्वारा ही हो रहा है, लेकिन कल को जाके ऐसा हो सकता है कि एक AI दूसरे AI को ही डेवलप कर दे, तो ये एक बहुत ही बड़ा चीज़ है। और जहां तक बात रही डेटा लीक की, तो डेटा लीक का प्रॉब्लम है AI के अंदर, डेटा लीक का प्रॉब्लम है। आप ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे इंटरनेट के ऊपर और मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ तीन चार आर्टिकल्स, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिनमें कंपनियों ने AI को टोटली बैन किया। उसमें से एक नामी कंपनी सैमसंग भी है जो AI की यूज़ को उतना ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रही है। तो बात ऐसी है कि ChatGPT की AI की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं कि दूसरी AI की बात कर रहा हूँ। जो सैमसंग ने जिस चीज़ को बैन करने की बात की वो ChatGPT की AI है, क्योंकि डेटा लीक का प्रॉब्लम वहीं से आया है। पर बात ऐसी है कि AI तो AI है भाई, वो ChatGPT का हो या फिर आपके फ़ोन का हो, वो काम तो उसी तरीके से करता है ना। जो उसका बेसिक फंक्शनिंग है वो वही है कि इंटरनेट से वो डेटा उठाता है, उसको एनालाइज करता है, उसके बेस पे सॉल्यूशन देता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो अब बात ऐसी है कि जहाँ तक बात रहा साहू जी का, मतलब शुभश्री साहू का जो वीडियो लीक हुआ है, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा पर हाँ, वीडियो मैंने देखी है और वीडियो आया था मुझे किसी फ्रेंड से ही व्हाट्सएप पे आया था। तो एक वीडियो तो मैंने देखा, बाकी ऐसा है नहीं वीडियो कुछ खास, बट बात वहाँ वीडियो खास होने ना होने की नहीं है, बात है कि इसके पीछे स्टोरी जो चल रही है पहले आप वो समझ लीजिए, फिर मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको समझ में आएगा। तो स्टोरी कुछ ऐसी चल रही है कि बोला जा रहा है कि शुभश्री साहू जो है वो एक मतलब अच्छी खासी इन्फ्लुएंसर थी इंस्टाग्राम पे उड़ीसा के अंदर, मतलब उड़ीसा के अंदर या फिर बाहर भी आप, क्योंकि सोशल मीडिया तो ग्लोबल चीज़ है। तो मुझे लगता है कि कुछ 250K का फॉलोअर्स वाला चैनल था, तो अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था उनका, मतलब फॉलोअर्स और लाइक्स अच्छे आते थे। अब यहाँ पे बात ऐसी होगी कि उनका चैनल एक बार बैन हो गया, ठीक है। अब चैनल बैन हुआ तो उनका फ्रेंड सर्कल से होते हुए वो किसी ऐसे पर्सन तक पहुंची जो कि रिलेटेड था इंस्टाग्राम से और वो बैन हटा सकता था, तो उसने 25,000 रुपये की डिमांड की कि 25,000 रुपये मैं ये कर दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो था तो उन्होंने 25,000 रुपये दे दिए और उस लड़के ने अनबैन भी करवा दिया और सब कुछ हंकी ढोरी हो गया था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अब यहाँ पे दोबारा होता है क्या कि इस बार अकाउंट परमानेंटली बैन हो जाता है। अब परमानेंटली बैन होता है तो वो फिर उस लड़के के पास जाती है और उसको बोलती है कि मेरा अकाउंट बैन हो गया है और अब मुझे परमानेंटली बैन हो गया है, अब इसको मेरे को अनबैन कराना है या फिर ऐसा वैसा कुछ बात होती है। तो लड़का कहता है कि परमानेंटली बैन हुआ है तो मैं उसको अनबैन नहीं करा पाऊंगा, लेकिन मैं किसी को जानता हूं जो कि उसको अनबैन करा सकता है और उसके लिए लगभग $200-$300 लगेंगे। अब यहाँ पे आ जाता है ट्विस्ट, $200-$300 की जब बात आ जाती है तो अब ये कहा जाता है कि सब्सिडी जो लड़की बताई जा रही है उन्होंने ये कहा कि हमारे पास पैसे उतने हैं नहीं, ठीक है, $200-$300 हो नहीं पाएगा क्योंकि ज़्यादा उम्र नहीं है उनकी, 18-19 साल होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी, अभी स्कूल या कॉलेज में होगी।
तो अगर वो चीज़ देखा जाए तो यहाँ पे डिस्कशन खत्म हो जाना चाहिए था और उनको अपना न्यू चैनल बना लेना चाहिए था। अगर उनके पास उतने फॉलोअर्स थे तो वो फिर से इकट्ठे हो जाते एक महीना के अंदर अगर वो अपना नया चैनल बना लेती तो। पर यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि उनके पास एक अननोन मैसेज आया और इस चीज़ का मैसेज आया कि अगर आपको उतने पैसे चाहिए तो मैं पैसे प्रोवाइड कर सकता हूँ, पर उसकी जगह पर मुझे आपके न्यूड्स चाहिए होंगे या फिर ऐसे फोटोज वोटोज चाहिए होंगे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि सुश्री पहले वाले लड़के जो अनबैन कराया था उनका आईडी उसके पास आई और उससे कंसर्न किया। ये सारी स्टोरी चल रही है, ठीक है, इसका कोई भी फैक्ट नहीं है, ये मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये फैक्ट ही है क्योंकि यही चीज हुआ था, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, मगर यही स्टोरी मोटा मोटी चल रही है, ठीक है। तो लड़के ने उसे मना भी किया कि तुम वीडियो मत डाल भेजो किसी को ऐसा वैसा कि अगर तुम लड़की हो तुम्हारा वीडियो लीक भी हो सकता है ये सब, तो उसने मना कर दिया था और ये भी बोल दिया था कि अगर तुम भेजोगे तो तुम अपने रिस्क पे भेजना, मेरा कोई इसमें हाथ नहीं होगा। तो अब बात यहाँ पे ये है कि लड़की ने उस समय तो सब बोल के चल हाँ ठीक है मैं नहीं भेजूंगी ऐसा वैसा, बट वो घर गई और उसके बाद फिर उसने वो सब वीडियोस बनाई और फोटो क्लिक की और वो सारी चीज़ें उसे भेज दी। भेज देने के बाद दूसरे दिन से ही ये फोटो और वीडियोस लीक हो गए सारे वेबसाइट्स पे, सब जगह पे। सबसे पहले हम मुझे लगता है कि रेडिट पे लीक हुआ था, रेडिट पे आने के बाद सारी जगह पर ट्विटर व्टर सब जगह पर ये वीडियो फैल गया। तो ये सबसे खतरनाक चीज़ हुई इसके अंदर कि थोड़ी सी हल्का सा अगर दिमाग लगा लिया होता अगर वहाँ पे, देखिए बात ऐसी कि अगर आप अच्छे खासे इन्फ्लुएंसर हैं और आपकी वीडियोस या फिर आपकी जो चैनल है उस पर अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं तो अगर आपका चैनल बैन भी हो जाता है तो आप अपना दूसरा चैनल जब चालू करोगे तो उस पर सब्सक्राइबर या फिर फॉलोअर्स बनने में टाइम नहीं लगते, वो धड़ाधड़ बढ़ जाएंगे, उनको पता चलेगा जबकि ये चैनल बैन हो गया और ये न्यू चैनल है तो सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स बैक आ ही जाते हैं। तो ये बेवकूफ़ी करना तो बहुत ही मतलब क्या बोले। और वीडियो जहाँ तक की बात है तो वीडियो में ऐसा साफ पता चलता है कि लड़की के ऊपर कोई फोर्स नहीं है और वो अपने आप को पूरी तरीके से इंजॉय करते हुए वो वीडियो बना रही है, तो ये चीज़ उसके अंदर है। बात यहाँ जब AI की घुसती है तो AI का यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि कोई रोल है कि AI ने फोटो लीक किया होगा या फिर ऐसा, क्योंकि AI का ऐसा करने के लिए उतना एडवांस होना चाहिए क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन में वो एडवांस AI इतना होता नहीं है कि वो आपका वीडियो इंस्टॉल कर ले और वीडियो चोरी करके दूसरी जगह पर ये कर दे लीक कर दे या फिर ऐसा वैसा। सिंपल AI होती है फ़ोन के अंदर जो कि बेसिक्स पे काम करती है। तो ये चीज़ AI वाला तो मुझे बिल्कुल ही फॉल्स लग रहा है, मुझे तो लग रहा है कि ये कोई फैन बेस पेज का वीडियो हो सकता है, कोई लड़की का फैन बेस का चैनल हो, ये भी हो सकता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, जो भी आपकी विचार है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। भाई देखो कमेंट में कोई लिंक नहीं मांगेगा वीडियो का, ठीक है ना, ये नहीं करना है। चलिए नमस्ते।